यूं तो गुजरात पहले से ही दलित उत्पीड़न और जातिवाद के लिए बदनाम है, लेकिन अब उसी गुजरात में दलित समाज से आने वाले विधायक और नेताओं के साथ भी बदसलूकी होने लगी है। मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बदसलूकी करने का आरोप किसी एरे गेरे पर नहीं लगा, बल्कि गुजरात के IPS राजकुमार पांडियन पर लगा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें गुजरात की राजधानी गांधीनगर से आई हैं। बुधवार को गुजरात में कांग्रेस के नेता और दलित समुदाय के सदस्य DGP कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और विधायक जिग्नेश मेवाणी के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर IPS अधिकारी राजकुमार पांडियन को निलंबित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पांडियन के खिलाफ नारे लगाते हुए जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और पार्टी विधायकों समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों लोग गांधीनगर में पुलिस भवन के बाहर इकट्ठा हुए। यहीं पर ADGP पांडियन का भी ऑफिस है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि गुजरात के 50 लाख दलित और गुजरात के जो पीड़ित शोषित वंचित तबके हैं, मैं लगातार कई सालों से उनकी लड़ाई लड़ते आ रहा हूं। गुजरात में जो उना कांड का मामला हुआ, तब से हम लोगों ने गुजरात के भूमिहीन दलितों के भूमि के जमीन के सवाल को लेकर लगातार हम लोगों ने कैंपेन्स चलाए हैं और लगातार हम लोग उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आंदोलन के चलते करीब करीब 600 करोड़ की कीमत की जमीन गुजरात के गरीब भूमिहीन दलितों को और दूसरे तबकों को मिली है। कच्छ जिले के रापड़ और भचाऊ तहसील में आज भी 3000 एकड़ से ज्यादा दलितों को आवंटित की गई जमीनों के ऊपर एंटी सोशल एलिमेंट्स और RSS और भाजपा के साथ जुड़े हुए गुंडों का गैर कानूनी कब्जा है। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार कच्छ जिले के SP और IG के सामने इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि जब भी दलित समाज के लोग अपनी मालिकी की इस जमीन का पजेशन लेने जाएंगे, तब उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो कृपया या तो आप ऑफेंस मुकदमा दर्ज करिए या तो उनको प्रोटेक्शन दीजिए और सामने वालों के खिलाफ वो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट को अंजाम न दे। उसके लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जिन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया है, उनके खिलाफ आप कोई प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। लेकिन SP गांधीधाम और IG चिराग करोड़िया कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। मेवाणी ने आरोप लगाया है कि पांडियन ने उनके और गुजरात कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हितेंद्र पिठाडिया के साथ उसी समय दुर्व्यवहार किया जब वे 15 अक्टूबर को उनके कक्ष में उनसे मिलने गए थे। जिग्नेश मेवाणी का कहना है कि वो ये कहने गए थे कि राज्य सरकार की ओर से 1980 के दशक में दलितों को आवंटित जमीन पर अतिक्रमण करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो ज़मीन दलितों को वापस दी जाए, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान पांडियन ने उनके और हिटेन के साथ बदसलूकी की। जिग्नेश मेवाणी ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार IPS राजकुमार पांडियन होंगे। पिछले दिनों 15 अक्टूबर को एडिशनल DG गुजरात के एडिशनल DG SC/ST सेल IPS राजकुमार पांडियन के पास गए थे। वहां उन्होंने बहुत ही बदसलूकी से हमारे सामने पेश आए। एक विधायक का संसद का जो प्रोटोकॉल होता है, वो रिटन प्रोटोकॉल है, उसका भी वायोलेशन किया और बहुत ही बेहुदा उनका बर्ताव था। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रिविलेज मोशन भी मूव किया और गुजरात के होम सेक्रेटरी को भी हम लोगों ने उसके मामले में रजूआत की है और आने वाले दिनों में 23 तारीख को हम लोग DG ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन ये IPS अफसर पिछले सालों में फर्जी एनकाउंटर के मामलों में भले बात में डिस्चार्ज हो गए, लेकिन 302 के आरोप के तहत तो 7 साल उन्होंने जेल काटी है। बहुत ही घमंडी किस्म का आदमी है और इसीलिए बंबई में जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, इस प्रकार की कोई एनकाउंटर की या मेरी हत्या की कोशिश होती है, मेरी टीम के साथी भाई हितेंद्र पिठाड़िया और हमारे संगठन के जो करीबी साथी है, उनमें किसी का भी यदि एनकाउंटर होता है या हत्या होती है, उसकी पूरी जिम्मेवारी गुजरात के IPS राजकुमार पांडियन की होगी। जिग्नेश मेवाणी गुजरात में लंबे समय से दलितों के हिस्से की ज़मीन को वापस दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो गुजरात के दलित समुदाय की एक मुखर आवाज़ हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार बेहद चिंताजनक है। जिग्नेश ने आज सुबह फेसबुक पर लिखा, क्या दलितों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले गुंडों पर कार्रवाई करने से गुजरात पुलिस के अफसरों को डर लगता है? IPS अधिकारी राजकुमार पांडियन ADGP SC/ST से सवाल है।
दलितों की हत्या का इंतजार क्यों हो रहा है? गांधीनगर पुलिस भवन में दलितों के हक की बात उठाने के लिए जब मैं गया, मेरा अपमान किया। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। ये लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के आत्मसम्मान की है। जिग्नेश मेवानी ने ADGP राजकुमार पांडियन को सस्पेंड करने की मांग की है। हालांकि IPS पांडियन ने मेवानी की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। पांडियन ने कहा, मेरे कक्ष में मुझसे मिलने आए लोगों में से किसी ने भी कभी ये शिकायत नहीं की कि उनका अपमान किया गया है या उन्हें बाहर इंतजार कराया गया है। उन्होंने कहा, जब मेवानी 15 अक्टूबर को मुझसे मिलने आए तो मैंने बिना किसी देरी के उनको अंदर बुला लिया और बाकी लोगों को इंतजार करने दिया। मुद्दे पर बात करने की बजाय उन्होंने कक्ष में चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें लेने के लिए बाहर क्यों नहीं आया और प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया। IPS राजकुमार पांडियन भी दलित बैकग्राउंड से ही आते हैं और SC/ST सेल के ADGP हैं, इसलिए ये मामला सिर्फ नेता और अफसर के बीच का ही नहीं है बल्कि दलित बनाम दलित का भी हो गया है। दोनों ही पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। गुजरात सरकार को चाहिए कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराए और जिग्नेश मेवानी और हितेंद्र पिठाडिया को सुरक्षा भी मुहैया कराए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।